हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, हाउ आर यू ऑल। होप आपने जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए थे वो आपने सारे कर लिए हैं। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जो हमारी 17th टर्म है एपी की वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एक्सीड्स? एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा, तो वो उससे 7 बड़ी है। तो आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो अब देखो, अगर हम लिखें कि मुझे गिवन है एक तो 17th टर्म, फाइन। 17th टर्म जो मुझे गिवन है ये 10th टर्म से 7 बड़ी है। इट मींस अगर मैं 10th टर्म में 7 ऐड करती हूँ तो मेरी 17th टर्म आती है, फाइन। अब इसका कंडीशन लिखिए, ये क्या होता है? a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d इज इट्स प्लस 7, फाइन। सो ए एंड ए कैंसिल्स आउट, क्या आ गया? 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, ये क्या आ गया हमारा? 7d इक्वल टू 7। सो डी मेरा क्या आ गया? 1। और डी क्या होता है मेरा? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है मेरा? कॉमन डिफरेंस, फाइन। कॉमन डिफरेंस, तो मुझे यही निकालना था, फाइन। सो आप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड आपके आरडी शर्मा में भी क्वेश्चंस है, हम आरडी शर्मा भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द Wi-Fi School India and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करेंगे तभी तो आपको updates मिलेंगे। Till then stay home, stay safe. Bye bye to all.